के साथ जो जन्म होता है, अब उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका इलाज होना चाहिए, और कहां इलाज होता है, तो ये पता चला कि प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्साई अस्पताल में इसका इलाज वो मुफ्त में करता है। वहां ये पता चला तो हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके पीड़ित जितने होंगे उन सब लोगों को यहां से वहां भेज दिया जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर उम्र है तो एक आदमी को साथ भेजेंगे, आने जाने का पैसा, उसको रहने का, हर तरह का इंतजाम के लिए पैसा, और अगर 6 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 2 लोग जाएं, तो ये सब के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत पैसा दिया, 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से सहायता भी दी गई, अब उसके चलते आप समझ लीजिए कि बहुत इलाज हुआ, 703 बच्चे बच्चियों का इलाज हो गया वहां से। अब जब वहां भेज रहे थे तो हम लोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो पटना में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITIC, तो हमने कहा कि यहां भी इसका इंतजाम करिए, तो इसके चलते अब यहां पर इसका इलाज शुरू हो गया। हृदय के छेद वाले से जन्मे बच्चों का उसका इलाज यहां शुरू हो गया, और आप जान लीजिए कि अब 161 बच्चों का इलाज यही हुआ। और फिर जो केंद्र का ITIMS है उससे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि यहां पर काम शुरू करिए, तो वो भी अब शुरू कर दिए, तो वहां भी 24 बच्चों का इलाज हो गया। आप सोच लीजिए इस तरह से जो भी पीड़ित लोग हैं, हृदय में छेद के साथ जो जन्मे हुए लोग, ऐसे लोगों के इलाज के लिए सब तरह से हो जाए ताकि वो जीवित रहें और आगे बढ़े, ये काम भी हम लोग करवा रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे। और आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है, पहले तो मात्र बिहार में 16 या 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है, 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम तो तय कर दिए कि जिला तक वाले को करेंगे, और देखा कि भाई जिला तक पर तो सबका होगा, वो आगे हो जाएगा, लेकिन जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो प्रमंडलीय मुख्यालय 9, तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा, तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और आप जानते हैं हम लोग बिहार में कितना ज्यादा कर रहे हैं, सबसे पुराना क्या है आप जानते ही हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सबसे पुराना, और कितना इलाज होता था। आप बिहार का दूसरा है दरभंगा का DMCH, तो हम लोगों ने क्या तय किया भाई, बिहार जो का जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है इसको 5,462 बेड की क्षमता का हम लोग निर्माण करने की शुरुआत कर दी है, एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जरा सोच लीजिए इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, अभी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, आज कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते थे। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। और इसके अलावे आप समझ लीजिए ये ITIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी 2500 बेड का,
ये जो ITIMS है हमारा उसको भी 2500 बेड का कर रहे हैं, और NMCS नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिटी वाला उसको भी 2500 बेड का, और श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वाले का उसको भी 2500 बेड का, और अनुग्रह नारायण मगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया वाले को भी 2500 बेड का। और आपको बता रहे हैं कि दरभंगा वाले को भी DMCS दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही 2500 बेड का करेंगे। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी IGIMS बना पटना में, अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी तब 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे, तो हमने कहा भाई देखिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये IGIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए, तो उसे सुधार। हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना, आज बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा, तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, अब बात में रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे, तो अलग बनाएंगे तो हुआ कि वहां हो, तब हमने तो ये तय कर दिया कि भाई हम लोग दरभंगा को के हॉस्पिटल को करेंगे 2500 बेड का कर देंगे, आप उसके 2500 बेड का, और उसके बाद आप समझिए कि इसी बार हम जो यात्रा में थे तो वहां के DM ने मुझको जो जगह दिखलाया एक इतना बढ़िया जगह, कहा कि यहीं पर करके हम लोग दे देंगे IGIMS के लिए, का बहुत अच्छा, और ये बात हम लोग भेज दिए। हाँ एम्स के लिए तो जो कर दिया है तो हम लोगों ने भेज दिया कि पूरे तौर पर वहां के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को के लिए हम लोगों ने चुन करके उनको जगह दे दिया। अब आजकल लोग बोल रहे हैं क्या गड़बड़ है रे भाई जाइएगा, उसको तो खूब ऊंचा कराएंगे और उसके चारों तरफ ऐसा सड़क बनाएंगे दरभंगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जहां पर वो है अभी मेडिकल कॉलेज वाला वहां पर बनेगा तो दूसरे राज्यों और दूसरे जगहों से आने वालों को जाने में थोड़ा समय लगेगा, और ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी, इसी को देख करके बना दिए। लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई तो जो करिए, हमने तो सारे पत्रकारों से हमसे पूछा था कल, तो हमने कहा कि एक बार हम अनुरोध करेंगे सारे पत्रकारों को कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं और वहां के DM ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है और जो काम किया जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए वहां का भी हो और यहाँ का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। वैसे तो आप लोगों पर तो प्रतिबंध न है जी, आप सब चीज छाप सकते हैं, ये तो प्रतिबंध ना ऊपर से लगा दिया गया है, सबका बात थोड़ी छाप सकते हैं, एक तरफा छप रहा। तो इसलिए कल भी हम कह दिए थे हमसे पूछे, तो आज भी हम बता दिए कि जितना बढ़िया जगह चुने और वहां पर बन जाए बहुत अच्छा है। तो एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए तो हर जगह से हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीज को करेंगे और कोई दिक्कत नहीं करेंगे और हर प्रकार से पूरे तौर पर, और आप लोग समझ रहे हैं कि हर तरह से कई कई कामें हो रही हैं। अभी हम लोगों ने राज्य में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, यह है पैठना भागन बिघा रहुई नालंदा में, उसका निर्माण कर दिया गया और तैयार हो गया, खूब अच्छा है। अब आप समझिए कि राजकीय दंत चिकित्सा के लिए भी एक कॉलेज वहां पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, तो इसी तरह महाविद्यालय सब हो गया, तो हर प्रकार से हम लोग